तो ड्रीम इलेवन पर आर आर के थक गए हो, तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है, सब यूट्यूबरों की वीडियो देख रहे हो लेकिन जब भी तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। साइड में विनिंग प्रूफ देख लो, 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी, वो भी फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करके। और आज जो हम फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो मैच खेला जाने वाला है कोलकाता वर्सेज राजस्थान के बीच में। देखो मेरे भाइयों, मैं ये बता दूं आपको, ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको लोग कैप्टन वाइज कैप्टन कर रहे हैं और वो इस मैच के अंदर भाइयों फ्लॉप होने वाले हैं, उनको आप लोगों को ग्रैंड लीग में से निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। वो कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको अपनी टीम में कोई भी नहीं ले रहा है लेकिन इस मैच के अंदर वो बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं, आप लोग उनको कैप्टन वाइज कैप्टन करना, ठीक है। तो कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं वो आगे आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, पूरे यूट्यूब पे, पूरी इंडिया में जितने भी फैंटेसी यूट्यूबर हैं, इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मैं मेरा जो प्रिडिक्शन करने का तरीका है ना, पहले सब और लोगों का बता देता हूँ आपको क्या करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 6 महीने के 7 महीने के रिकॉर्ड दिखा के आपको प्रिडिक्शन करके दे दिया, प्लेयर के स्टैट दिखा के आपको प्रिडिक्शन करके दे दिया या प्लेयर के रिकॉर्ड दिखा के आपको प्रिडिक्शन करके दे दिया। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक लानी है या ग्रैंड लीग विन करना है या ग्रैंड लीग जीतने का अपना सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो मेरे भाइयों आपको प्लेयर का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। 6 महीने के 7 महीने के रिकॉर्ड या प्लेयर के स्टैट या प्लेयर की बैटल से आप लोग कभी भी ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी यूट्यूबर हैं फैंटेसी में, जो बड़ा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मिलियन वाला कोई यूट्यूब चैनल है, उसी चीज़ को कॉपी करके सब लोग स्टैट दिखाते हैं। वही स्टैट एक यूट्यूबर दिखा रहा है, वही स्टैट एक यूट्यूबर दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उनसे आप लोग कभी भी ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते। मेरा जो प्रिडिक्शन करने का तरीका है, मैं आपको बता दूं, 11 प्लेयर खेलेंगे कोलकाता की तरफ से, 11 प्लेयर खेलेंगे राजस्थान की तरफ से, टोटल 22 प्लेयर खेलेंगे प्लेइंग 11 में, ठीक है। एक तरफ से 11 खेलेंगे, एक तरफ से 11 खेलेंगे। मैं आपको टोटल 22 प्लेयर का प्रिडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइज कैप्टन करना है, कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे, कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे, ये सारा मैं इंक्लूड करके आपको डाटा दूंगा मेरे भाइयों। मैं क्लियर बोलूंगा कि भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा, मैं क्लियर बोलूंगा कि भाई ये प्लेयर चलेगा। और मेरे भाइयों, इस तरीके का प्रिडिक्शन पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है मेरे भाइयों। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, सब क्या पता मेरी वजह से तुम लोग ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक लिया हो या ग्रैंड लीग विन कर लो या तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। एक बार जब तुम लोगों प्राइम वालों की वीडियो देखते हो इससे तो बढ़िया, एक बार मेरी वीडियो देख के आप लोगों को क्या पता फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा हूँ मेरे भाइयों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, जो जो चीज़ें आपको बताऊँगा, डिटेल ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, मैं आपको बस सारा डाटा करके इंक्लूड आपको सारा प्रिडिक्शन करने वाला हूँ मेरे भाइयों। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, अगर कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा जीतना चाहते हो और अपना लॉस कवर करना चाहते हो जितना तुम हार चुके हो ड्रीम इलेवन पर, ठीक है। अब बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की मेरे भाइयों। मैच प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आप सबको बता दूं मेरे भाइयों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम दूंगा, जो मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दूंगा, अगर मुझे उनमें कुछ चेंज करना होगा या कोई प्लेयर मेरी टीम में नहीं खेल रहा होगा, उन प्लेयर की जगह मैं किस प्लेयर को लूँगा या मुझे कैप्टन वाइज कैप्टन चेंज करना होगा, सारी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वही एक तरीका है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वरना कोई भी तरीका नहीं है मेरे भाइयों। यार एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, अगर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर 20 मैच कवर करते हैं स्मॉल लीग के अंदर, तो 20 में से मैं आपको 16 से 17 मैच क्लीन स्वीप कराता हूं। और मेरे भाइयों, हमारे टेलीग्राम पे सिलेक्टेड मैच ही कवर होते हैं, फालतू मैच हम कवर नहीं करते, जौन सा हमें लगता है कि हाँ ये विनिंग के लायक मैच है वही मैच हम कवर करते हैं मेरे भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर आप लोग लॉस में हो, एक बार अपने भाई की टीम से खेल कर देख लो, मैं कोई पैसे नहीं लेता, मैं सिर्फ फ्री में टीम प्रोवाइड करता हूँ, ग्रैंड लीग की भी टीम, स्मॉल लीग की भी टीम, और डेली मैं यूट्यूब पर तो ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन दे ही रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, टेलीग्राम चैनल को
याद से ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं मैच खेले जाने वाले हैं, मैच प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, मैच प्रिडिक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैच खेला जाने वाला है केकेआर वर्सेस राजस्थान के बीच में। केकेआर के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच हारा है, तीसरा मैच जीता है, चौथा मैच जीता है, पांचवा मैच जीता है। मेरे भाइयों राजस्थान के 5 मुकाबलों की बात करते हैं। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच हारा है, तीसरा मैच जीता है, चौथा मैच जीता है, पांचवा मैच जीता है। मेरे भाइयों वेन्यू की बात करें तो एडन गार्डन कोलकाता में मैच खेला जाने वाला है। पिच की बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। गुड फॉर पेसर्स स्पिनर के मुकाबले यहाँ पर फास्ट बॉलर परफॉर्म करते हैं। वेदर की बात करें तो ओवरकास्ट होने वाला है, कोई भी बारिश के चांस नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फास्ट बॉलर परफॉर्म तो करते हैं, यहाँ पर बैट्समैन परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ ऐसे स्पिन बॉलर हैं जिनका लो सिलेक्शन है इस मैच के अंदर बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं, और कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। आगे आपको बताने वाला हूँ कौन से प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं मेरे भाइयों। रिसेंट रिकॉर्ड इन लास्ट 5 T20, एडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में मेरे भाइयों 5 T20 मैच खेले गए हैं लास्ट के, और जो एवरेज स्कोर बनाया है ना उसमें 175 का बनाया है मेरे भाइयों। 11 विकेट गिरी हैं, 6 विकेट पेसर्स ने ली हैं, 5 विकेट स्पिनर ने ली हैं। तो देख लो यहाँ पर 1 विकेट फालतू ले रखी है यहाँ पर पेसर्स ने। लेकिन मैं आपको बता दूँ फास्ट बॉलर कुछ ऐसे हैं जो इस मैच के अंदर फ्लॉप होंगे, और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन बॉलर हैं जो स्पिन बॉलर हैं जो इस मैच के अंदर बढ़िया परफॉर्म करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। हेड टू हेड रिजल्ट इन लास्ट 5 ईयर T20 डोमेस्टिक, 5 साल के अंदर इन दोनों टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं मेरे भाइयों, और 9 मुकाबलों में कोलकाता ने 5 जीते हैं और राजस्थान ने 4 मुकाबले जीते हैं। तो आप यहाँ पर नॉर्मल डाटा इनका देख सकते हो मेरे भाइयों। बात करते हैं यहाँ पर टॉस हिस्ट्री की मेरे भाइयों। 5 साल के अंदर जो टॉस हुआ है ना यहाँ पर मेरे भाइयों, जिसने पहले टॉस जीत के बॉलिंग की है वो 80% मुकाबले को जीता है, और जिसने पहले बैटिंग की है वो 42% मुकाबले को जीता है मेरे भाइयों। टॉप प्लेयर एट दिस वेन्यू लास्ट 5 ईयर, 5 साल के अंदर इन दोनों टीम ने, इन मतलब 5 साल के अंदर दोनों टीम ने नहीं मेरे भाइयों, इन 5 साल के अंदर किस प्लेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इस मैच के अंदर भी कर सकते हैं इस ग्राउंड पर एडन गार्डन कोलकाता में मेरे भाइयों। फिलिप साल्ट की बात कर लेते हैं, 2 मैच में 71 का एवरेज है, 164 का स्ट्राइक रेट है भाइयों। संजू सैमसन 5 मैच में 45 का एवरेज रन है, 150 का स्ट्राइक रेट है भाइयों। जोस बटलर 5 मैच में 41 का एवरेज रन है, 164 का स्ट्राइक रेट है भाइयों। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, चेतन साकरिया 2 मैच में 2.5 के एवरेज विकेट, 7.3 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। ट्रेंट बोल्ट 5 मैच में 1.6 के एवरेज विकेट, 7.5 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। युजवेंद्र चहल 5 मैच में 1.4 के एवरेज विकेट, 7.4 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। ये नॉर्मल डाटा था, मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं जो पूरे YouTube पे कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। देखो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूँ, अब जो मैं आगे प्रिडिक्शन करने वाला हूँ ना, पूरे YouTube पे सब लोग आपको स्टैट दिखाएंगे, प्लेयर बैटल दिखाएंगे, इस तरीके से डिटेलिंग प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों। अब मैं आपको 22 प्लेयर का प्रिडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे, कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे, सारा कुछ अब मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये पूरा डिटेलिंग में आपको मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, कौन सा हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर, मैं क्लियर बोलूंगा कि ये हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर फ्लॉप होगा भाई, ये लो सिलेक्शन वाला प्लेयर चलेगा। अब एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना, कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला मेरे भाइयों। अब बात करते हैं मेन प्रिडिक्शन स्टार्ट हो रहा है, मेन प्रिडिक्शन को दिमाग से समझना मेरे भाइयों। 22 प्लेयर का प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आप सबको बता दूं मेरे भाइयों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे बड़ा रीज़न, पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। दूसरा प्रिडिक्शन, मैं क्लियर अपने यूट्यूब वीडियो में बोलता हूं कि भाई ये हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर फ्लॉप होगा, भाई ये लो सिलेक्शन वाला प्लेयर चलेगा। तीसरा फ़ायदा मेरे भाइयों, तीसरा फ़ायदा ये है कि मेरे जो चैनल पे, चाहे मैं ग्रैंड लीग का प्रिडिक्शन करूं, चाहे मैं टेलीग्राम पे ग्रैंड लीग की टीम दूं, चाहे मैं स्मॉल लीग की टीम दूं, कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है जो और यूट्यूबर करते हैं मेरे भाइयों। बस ये चीज़ कहना चाहता हूं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, क्या पता मेरे वजह से तुम
कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसा जीत लो या तुम्हारा सपना पूरा हो जाए ग्रैंड लीग जीतने का। बस मेरे भाइयों इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। विकेट कीपर, अब बात करते हैं 22 प्लेयर के प्रिडिक्शन की मेरे भाइयों। विकेट कीपर सेक्शन में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे संजू सैमसन, जोस बटलर, फिलिप साल्ट, रहमानुल्ला गुरबाज, के सरकार भरत, के सिंह राठौर। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। सबसे पहले संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन करेगा मेरे भाइयों तीसरे नंबर पे, तीसरे से चौथे नंबर पे बैटिंग। और मैं आपको बता दूं इसको 95.13% लोग अपनी टीम में ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग हाई सिलेक्शन वाले प्लेयरों को ग्रैंड लीग में से नहीं निकालने के, लो सिलेक्शन वाले प्लेयरों को ग्रैंड लीग में नहीं लोगे, आप कभी भी ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, आपको ग्रैंड लीग में रिक्स भी लेना पड़ेगा और सेफ के साथ भी जाना पड़ेगा। ना ही आप सेफ के साथ क्लियर जीत सकते ग्रैंड लीग, चाहे ना ही आप ये बताऊँ रिस्की प्लेयर के साथ ग्रैंड लीग जीत सकते। आपको सेफ प्लेयर के भी साथ जाना है और रिस्की प्लेयर के साथ भी जाना है, और रिक्स लेना पड़ेगा बड़े प्लेयरों पर। और सबसे पहले संजू सैमसन की बात कर लेते हैं, इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। देखो जो मेरा प्रिडिक्शन है, जो मेरी टीम ने प्रिडिक्शन किया है मेरे भाइयों, संजू सैमसन इस मैच के अंदर कम से कम 30 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं ये प्रिडिक्शन गलत भी जा सकता है, लेकिन मैं भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम में से निकालूंगा इसको। आप भी अगर निकालना चाहते हो निकाल लो, क्योंकि मैं डरता नहीं भाई रिक्स लेने में। क्लियर ये चीज़ बोल रहा हूँ, किसी को अगर डर लगता है रिक्स लेने में वो मेरे प्रिडिक्शन को यूज़ ना करना। लेकिन जिसको डर नहीं लगता वो मेरे भाइयों, अगर तुमने जो जो प्लेयर को बोला है कि निकाल कर चलना, बहुत फ़ायदा लोगे। एक मैच में प्रिडिक्शन गलत जाएगा, दो मैच में प्रिडिक्शन गलत जाएगा, लेकिन सारे मैच में नहीं जाएगा, एक बार ग्रैंड लीग भी जीतोगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर का प्रिडिक्शन हो रहा है मेरे भाइयों। बात करते हैं यहाँ पर जोस बटलर की। संजू सैमसन को आप लोगों को ग्रैंड लीग में से निकाल कर चलना है और 30 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है। जोस बटलर अगर मुकाबले को खेलेगा तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों, टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे भाइयों। बात करते हैं यहाँ पर फिलिप साल्ट की मेरे भाइयों। फिलिप साल्ट को 84% लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फिलिप साल्ट भी इस मैच के अंदर 35 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है। अगर यहाँ पर बटलर खेलता है ना तो बटलर को ट्राई करना। अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो संजू सैमसन या फिलिप साल्ट में, तो फिलिप साल्ट के साथ आपको जाना है, संजू को अपनी टीम में से निकाल कर चलना है मेरे भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना। रहमानुल्ला गुरबाज, के सरकार भरत, के सिंह राठौर, अगर इनमें से कोई भी खेलता है तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे भाइयों फिलिप साल्ट 35 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है मेरा जो प्रेडिक्शन है, और संजू सैमसन 30 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर जोस बटलर और रहमानुल्ला गुरबाज, के सरकार भरत, के सिंह राठौर, अगर इनमें से कोई भी खेलता है तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की मेरे भाइयों। श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रोमन पोवल, शैमरन हेटमायर, वेंकटेश अय्यर, नितेश राणा, ध्रुव जुरेल, टॉम केलर कैडमोल, मनीष पांडे, ए राघवंशी, शरफन रदरफोर्ड, एस दुबे। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। बात करते हैं श्रेयस अय्यर की मेरे भाइयों। मैं आपको बता दूं टीम का कैप्टन है, और मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर जो मेरा प्रेडिक्शन है श्रेयस अय्यर का, कम से कम इस मैच के अंदर 27 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है श्रेयस अय्यर। इसको भी आप लोगों को ग्रैंड लीग में से निकाल कर चलना है मेरे भाइयों, अगर आप लोग रिस्क टेकर हो। मुझे इस मैच के अंदर श्रेयस अय्यर भी फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। पूरे 5 मैच हो गए और 5 मैच में अच्छा खासा इसका स्कोर नहीं आया, लेकिन इस मैच में इसका स्कोर अच्छा खासा आने वाला है। अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। इसको भूलकर दुनिया कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएगी, टीम में लेगी, लेकिन इस मैच के अंदर वो बढ़िया परफॉर्म करने वाला है यशस्वी जायसवाल। इसको भूलकर भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। बात करते हैं यहाँ पर रिंकू सिंह की मेरे भाइयों। अच्छा ऑप्शन नहीं है, नीचे बैटिंग करेगा काफ़ी, इस मैच के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। रोमन पोवल,
अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, इसको भी ड्रॉप करके चलना। शेमरन हेटमायर अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, इसको भी ड्रॉप करके चलना, काफ़ी नीचे बैटिंग करेगा। वेंकटेश अय्यर की बात कर लेते हैं, अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो वेंकटेश अय्यर को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन कैप्टन वाइज कैप्टन मत बनाना, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है मेरे भाइयों। अगर बाद में बॉलिंग करेगी तो आप लोगों को कैप्टन वाइज कैप्टन नहीं बनाना, अगर पहले बैटिंग करेगी जब भी आपको कैप्टन वाइज कैप्टन नहीं बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर की उसमें रखना है। बात करते हैं नितेश राणा की, अगर इस मुकाबले में खेलेगा तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। ध्रुव जुरेल अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसको तो ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। टॉम कैलर कैडमोर, मनीष पांडे अगर खेलता है तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। बात करते हैं यहाँ पर ए राघवंशी की, मेरे भाइयों इसको भूल कर भी मिस मत करना, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और यंग प्लेयर है मेरे भाइयों। और अपने आईपीएल डेब्यू मैच में कम से कम इसने 50 रन मारे थे, तो मेरे भाइयों इसको ग्रैंड लीग में आपको ज़रूर लेना है, इसको भूलकर भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। शरफन रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं और एस दुबे की बात कर लेते हैं, अगर इनकी अपडेट अगर ये खेलते हैं तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की मेरे भाइयों, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है आंद्रे रसल का, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। आंद्रे रसल आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करके देगा और 5वें से 6 नंबर पर आपको बैटिंग करते देगा, और मैं आपको बता दूँ इस मैच के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आंद्रे रसल, ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। सुनील नारायण 4 ओवर बॉलिंग करके देगा आपको और साथ में ओपनिंग करेगा केकेआर की तरफ से, तो इसको भी आप लोगों को भूलकर भी मिस नहीं करना है, ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। रियान पराग की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, यो भी अच्छी टच में है, इसको भी आप लोगों को ग्रैंड लीग में लेना है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। रविचंद्र अश्विन, डी फरारा, अगर इनमें से कोई भी खेलता है तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल चलना है मेरे भाइयों। बात करते हैं यहां पर रमनदीप सिंह की, मेरे भाइयों रमनदीप सिंह अच्छी फॉर्म में नहीं है और काफी नीचे बैटिंग करेगा, इसको तो आप लोगों को निकाल कर चलना है। ए सुधाकर रॉय, अगर खेलता है तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, इस तरीके का मैं डेली प्रिडिक्शन आपको यूट्यूब वीडियो में देता हूं मेरे भाइयों, और पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, एक क्लिक करना पड़ता है, क्या पता इस प्रिडिक्शन को यूज करके आप ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक ले आओ, टॉप 10 में तुम्हारी रैंक आ जाए, तो कर लो मेरे भाइयों। जिसने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, एक क्लिक करना पड़ता है मेरे भाइयों। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, बॉलिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट का, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ट्रेंट बोल्ट को ग्रैंड लीग में ट्राई करना लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। युजवेंद्र चहल को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना है, जब राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करेगी, बाद में बॉलिंग करेगी निकाल कर चलना मेरे भाइयों ग्रैंड लीग की टीम में से, लेकिन अगर पहले बॉलिंग करेगी तो युजवेंद्र चहल को ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है मेरे भाइयों। मिचेल स्टार्क, मेरे भाइयों पिछले मैच में 3 विकेट निकाली थी इसने, और मुझे इस मैच के अंदर मिचेल स्टार्क फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, और कम से कम 1 विकेट निकालेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको ड्रॉप करके चलना ग्रैंड लीग में, तो मुझे फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है इसमें। आंद्रे बर्गर अगर मुकाबले को खेलेगा तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, बहुत ही तकड़ी फॉर्म में यार मेरे भाइयों, बढ़िया खेल बढ़िया बॉलिंग करता है, इसको भूलकर भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। केकेआर की टीम पहले बॉलिंग करेगी ना तो ज़रूर ट्राई करना, बाद में बॉलिंग करेगी तो निकाल कर चलना ग्रैंड लीग में से, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। अवेश खान की बात कर लेते हैं, अवेश खान को भी आपको अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो लेकर चलना, अगर बाद में बॉलिंग करेगी तो निकाल कर चलना मेरे भाइयों, इस तरीके के आपको इंक्लूड करने हैं कॉम्बिनेशन। संदीप शर्मा, दुश्मनता चमीरा अगर खेलते हैं तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। केशव महाराज की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, इसको जरूर ट्राई करना, अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करेगी या बाद में बॉलिंग करेगी इसको जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में। सुरेश शर्मा की बात कर लेते हैं तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। हर्षित राणा को जरूर ट्राई करना है ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना। नवदीप सैनी, चेतन साकरिया अगर खेलते हैं तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। कुलदीप सिंह अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे भाइयों। वैभव अरोरा, वैभव अरोरा को ज़रूर ट्राई करना है मेरे भाइयों,
ये इस मैच के अंदर बढ़िया परफॉर्म करेगा, 1 से 2 विकेट 3 विकेट भी निकाल सकता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर केकेआर की टीम पहले बॉलिंग करेगी, अगर बाद में बॉलिंग करेगी तो निकाल कर चलना मेरे भाइयों। ए मुश्ताक अगर खेलता है तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। टी कोटी मेरे भाइयों राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करेगा यशस्वी जायसवाल के साथ, तो मेरे भाइयों अगर इस मुकाबले में खेलेगा तो राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ट्राई करना, अगर बाद में बैटिंग करेगी तो मेरे भाइयों ट्राई मत करना, नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है आपको राजस्थान की टीम अगर पहले बैटिंग करेगी। एस हुसैन ए गफ्फार अगर इनमें से कोई भी खेलता है तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। तो भाइयों मैंने अपने 22 प्लेयर का आपको प्रेडिक्शन करके दे दिया है, कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे, कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, और ग्रैंड लीग में किनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इस चीज़ को इंक्लूड करके आप खुद से भी टीम बनाया करो मेरे भाइयों। मैंने जिसको बोला है निकाल कर चलना, मैंने जिसको बोला है कैप्टन वाइस कैप्टन करना, मैंने जिसको बोला है कि नॉर्मल प्लेयर को उसमें रखना है, आपको इस चीज़ को इंक्लूड करके खुद से भी कॉम्बिनेशन बनाया करो। जितनी मेहनत तुम लोग कर सकते हो ना कोई भी नहीं कर सकता, बस आपको अच्छा प्रिडिक्शन करने वाला मिल जाए तो आप आग लगा दोगे टीम बनाने में मेरे भाइयों। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, चाहे एक टीम बनाओ, चाहे दो टीम बनाओ, चाहे तीन टीम बनाओ, कॉम्बिनेशन खुद भी बनाया करो। जितनी मेहनत तुम लोग कर सकते हो कोई भी नहीं कर सकता, तुम लोगों को अच्छा प्रिडिक्शन ही नहीं मिलता। अगर तुम्हें अच्छा प्रिडिक्शन मिल जाए ना तुम टॉप 10 में खुद ले आओ रैंक, बस ये मसला है मेरे भाइयों। प्लेयर के स्टैट से, प्लेयर बैटल से, 6 महीने के 7 महीने के रिकॉर्ड से कभी भी तुम ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते। अब बात करते हैं मेरी ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम कितनी मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, स्मॉल लीग की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो याद रखना मेरे भाइयों एक चीज़ का ध्यान रखना, टॉस होने के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले आपको ग्रैंड लीग की टीम मिल जाएगी, मैच स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले आपको स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम मेरी फाइनल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, यूट्यूब पे मैं आपको टीम नहीं दे रहा हूँ मेरे भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेरे भाइयों एक बार अपने भाई की टीम से खेल कर देख लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तुम्हें टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेन मकसद क्या है, तुम्हें प्रॉफिट में रखना है, और प्रॉफिट में रख के आपका भाई आपको जवाब देगा, ये आपके भाई का वादा है। आपका भाई बोल तो रहा है, आपको करके भी दिखाएगा, आपको प्रॉफिट करवा के दिखाएगा मेरे भाइयों। एक बार तुम लोग प्राइम वालों पे भी तो यकीन करते हो, उन्हें पैसा देते हो, मैं पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, तुम टेलीग्राम पे आ जाओ एक बार टीम से खेल कर देख लो मेरे भाइयों, क्या पता मेरी वजह से तुम्हें फ़ायदा मिल जाए, तुम्हारा लॉस कवर हो जाए, बस ये चाहता हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, तो एक बार अपने भाई की टीम से खेल कर देख लो, और मैंने जो चीज़ बोली है प्रिडिक्शन को यूज़ करके खुद भी कैलकुलेट करके कॉम्बिनेशन बनाया करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसी ही ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन वीडियो मिलेगी, और पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है मेरे भाइयों। और टेलीग्राम चैनल को कर लो ज्वाइन, वहाँ पर आपको ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम इस मैच की आने वाली है। मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरे भाइयों।